वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है संजीव स्वर्णकर मल्टी टैलेंटेड वीडियोस में। आज हम बनाने वाले हैं एक फैक्ट्री का चक्की का शाफ्ट, जो कि आप देख रहे हैं हमारे सामने ये लोहा रखा हुआ है और हमें इसे बनाना है बिल्कुल ऐसा। ये भी हमने तैयार किया है, पहले से तैयार किया हुआ है ऑलरेडी। ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये थ्रेड बना है, ये बैडिंग साइज है, ये भी बैडिंग साइज है और यहाँ पे चक्की हमारा लगेगा, यानी कि ये डिग्री कटेगा, टेपर होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस शाफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेथ मशीन में इसको ट्रू करेंगे, यानी कि न्यूट्रल करेंगे। और वो न्यूट्रल कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। जो शाफ्ट है हमने इसको इस तरीके से मशीन में बांध लिया है और ये देख रहे हैं कि ये मैंने हल्का हल्का काम पहले से करके रखा है। ये अभी तक फाइनल नहीं है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये जगह में साइज नहीं पूरा हो रहा था, इसकी वजह से हम लोगों को इसमें माल चलाना पड़ा। ये माल चलाया हुआ है, अब हम इसको फिनिशिंग करेंगे, लेकिन वो भी फाइनल नहीं करेंगे। हल्का फिनिशिंग करने के बाद वापस से शाफ्ट को घुमा के फिर से बांधेंगे, इधर का साइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फाइनली इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमारा डिग्री बनेगा, यहाँ वेलसील पॉइंट बनेगा, यहाँ थ्रेड बनेगा, उसके बाद बेडिंग साइज वगैरह बनेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने शाफ्ट को एक तरफ लेथ पे थ्रू चॉक में बांध लिया है और दूसरी तरफ हम सेंटर लगाएंगे। इस तरीके से हमारा सेंटर इसमें लग चुका है। अब हम इसको न्यूट्रल करेंगे, यानी कि ट्रू करेंगे, ये बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। ये हमने लगा दिया है मार्किंग ब्लॉक, इसे हम लोग मार्किंग ब्लॉक कहते हैं, जिससे इस शाफ्ट को हम लोग मिलाएंगे, यानी कि ट्रू करेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्किंग ब्लॉक को हम लोग इस तरीके से शाफ्ट के ऊपर रखेंगे और हम लेथ के चक को घुमा घुमा कर देखेंगे ये किस तरफ ज़्यादा भाग रहा है, किस तरफ कम भाग रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आप थोड़ा सा गैप है, तो इस जगह पे हम लोग इस कुर्के को ढीला करेंगे और इसको टाइट करेंगे, जिससे ये हमारा मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर से हम घुमा घुमा कर देखेंगे, इसी तरीके से बारी बारी से घुमा घुमा के देखते हुए हमें इसको थोड़ा एक्यूरेट कर लेना है और इसको फिर चला के देखना भी है कि ये सीधा चल रहा है या फिर टाल चल रहा है। लेथ मशीन में कोई भी वर्क इसके बगैर नहीं हो सकता। जब तक आप किसी भी शाफ्ट को ट्रू नहीं करेंगे, तब तक आगे का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम को अच्छे से करने के लिए इसका ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम अपने इस मल्टी टैलेंटेड वीडियो शो में बहुत कुछ दिखाएंगे, चाहे मैकेनिकल से जुड़ी हुई बातें हो, लेथ मशीन से जुड़ी हुई बातें हो, और आउटसाइड व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम मशीन को चला के चेक करेंगे कि ये ट्रू हमारा हुआ या नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये ट्रू लगभग हो चुका है, लेकिन थोड़ा बाकी है, उसे भी हमें एक्यूरेट करना है और हमें बीच बीच में इस सेंटर को भी टाइट करते रहना है, क्योंकि ट्रू करने पे ये शाफ्ट हमारा अंदर की ओर जाता है तो ये यहाँ से लूज़ हो जाता है, लूज़ होने से ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमें इसको हल्का हल्का टाइट कर लेना है यहाँ से और फिर इसे लॉक कर देना है, जिससे कि ये हमारा ढीला नहीं हो शाफ्ट। ये हमने लॉक कर दिया है इसको और फिर एक बार चेक कर लेंगे फाइनली, जब हमारा ये शाफ्ट ट्रू हो जाएगा पूरी तरीके से। ये अब हम शाफ्ट हमारा ट्रू हो चुका है, अब हम उसको चला के चेक करेंगे। ये देखिए, शाफ्ट हमारा बिल्कुल सीधा चल रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे हाथ में एक कैलिपर है,
जिसको हम लोग वर्नियर कैलिपर कहते हैं, इसके द्वारा हम इस शाफ्ट का मेजरमेंट करेंगे, यानी कि इस साइज का डायमीटर चेक करेंगे। ये एक कैलिपर पर तीन काम में यूज़ किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इसका अंदरी हिस्सा है, इसके द्वारा हम शाफ्ट का ओडी मापते हैं, यानी कि आउटर डायमीटर मापते हैं। ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ऊपरी हिस्सा, इसके द्वारा हम किसी भी शाफ्ट के अंदर का बोर नापते हैं, और ये हमारे शाफ्ट का या किसी भी चीज़ का आप इससे डीप माप सकते हैं। ओके, तो पहले हमें इस हिस्से को करना है 65 mm, तो हम इसको पहले नाप लेंगे। अभी ये कितना है, अभी ये 68 mm है, तो हमें इसे 65 करना है। बाकी हम इस सारे साइज़ को अभी हम एक्यूरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पीछे भी कुछ वर्क करना है, पीछे भी बैरिंग साइजेस बनाने हैं। अगर हम इसको अभी एक्यूरेट कर लेते हैं तो हो सके हमारा ये हिस्सा टाल हो जाए, इसलिए हम इसको पहले इसको रफ़ कटिंग करने के बाद इस शाफ्ट को घुमा के बांधेंगे, और इस जगह पर जो है इस साइज़ को कम्प्लीट करेंगे, और कम्प्लीट करने के बाद फिर इस साइज़ में हमें इसको बांध करके इस जगह पे न्यूट्रल के हिसाब से इस सारे काम को हम एक्यूरेट करेंगे। कि ये शाफ्ट को हमने उतार दिया है, क्योंकि हमें इसे घुमा के बांधना है, तो ये शाफ्ट की लंबाई जो हमने बनाई है उस शाफ्ट के लंबाई के बराबर होगी। तो मैं पहले इस शाफ्ट की लंबाई को चेक करता हूँ। हम इसको ये शाफ्ट की लंबाई को माप रहा हूँ, ये 27 इंची में है, तो हमें इसको भी, तो मैंने इसको पहले से मार्किंग कर लिया है ऑलरेडी, ये 27 से हमारा थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने मार्किंग कर रखा है, यहाँ तक हमें इसको कटिंग करके छोटा करना पड़ेगा।
कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब थ्रेड काटेंगे इस जगह पे। थ्रेड काटने के लिए सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है वो है कि हर एक थ्रेड का अलग से नंबर होता है, उसको हम लोग गेज बैठा करके चेक करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो प्रोसेस क्या है। जैसे ये हमारे पास ये नट है, इस नट को हमें यहाँ लगाना है, इस नट का थ्रेड हमें वहाँ उतारना है। तो सबसे पहले इस नट के अंदर में जो थ्रेड कटा हुआ है, इस थ्रेड को हमें नापना होगा गेज से, इसमें कितना का गेज बैठता है, और हम लोग इसको थ्रेड गेज कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग पता करेंगे कि इसमें कितना का गेज सेट होगा। तो देख रहे दोस्तों कि आप लोग, ये थ्रेड है और हमारे हाथ में मैंने एक गेज पकड़ा हुआ है। इस गेज को मैं इसमें बैठाऊंगा और ये प्रॉपरली बैठ रहा है हमारा, ये देखिए प्रॉपरली बैठ रहा है, ठीक है, ये बैठ रहा है। तो मुझे इस गेज में एक नंबर लिखा हुआ है, मुझे वो नंबर देखना है। यहाँ लिखा हुआ 13G, आपको दिख रहा होगा 13G, यानी कि 13, ये 13 गेज है, यानी कि इसमें हमको 13 का चूड़ी काटना है, 13 का। तो 13 को थ्रेड काटने के लिए फ्रेंड्स हमें कुछ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा। जैसे 13 का चूड़ी काटना है तो 13 को हमें 5 से गुना करना होगा, तो 13 × 5 = 65, 65 का पिनियन हमें लेथ पे सेट करना होगा। इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने पहले से सेट कर लिया ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पिनियन सेट होगा। ये पिनियन से हमारे लेथ के थ्रेडिंग के लिए, तो ये इस जगह पे हमने 65 का पिनियन, एक 65 दाता है इसमें, 65 का पिनियन हमने यहाँ सेट कर दिया है। बाकी इन दोनों पिनियंस को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 65 का पिनियन को सेट कर लेना है। बाकी हमारा थ्रेड अब कटिंग होगा इन गियर की मदद से और इस लीवर की मदद से हम थ्रेड को काटेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस, या थ्रेड कैसे बनता है अब देख सकते हैं। अब तो फ्रेंड्स सब कुछ हमारा रेडी है, हम 13 का चूड़ी काटने के लिए, ये हमारा लीवर है जिससे ये चाल का स्पीड घटेगा बढ़ेगा, यानी कि इसमें 3 गियर होते हैं, ए सी और बी, यानी कि सबसे इधर में हमारा फर्स्ट होता है ए, बीच में होता है सी और सबसे लास्ट में होता है बी। और ये लीवर हमारा इस दोनों चाल में से चलाने के लिए है। इसको हम इधर रखेंगे तो ये चलेगा, थ्रेडिंग सब चलेगा, और इसको हम इधर कर देंगे तो ये साफ्ट हमारा चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो फिलहाल हमने सेट कर लिया है इसको थ्रेडिंग वाले साफ्ट पे, और इसको हमने सी पे सेट कर दिया है।
अब हम यहाँ थ्रेड काटने के लिए सबसे पहले टूल को यहाँ हल्का टच कर देंगे, और टच करने के बाद यहाँ पे एक चौक से मार्किंग कर देंगे। इस जगह पे मैं मार्किंग कर दूंगा कि हमारा टूल टच हो चुका है, जॉब पे हमारा टूल टच हो चुका है। और जैसे जैसे मैं कट बढ़ाऊंगा, यहाँ से कट को बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे बढ़ाने का एक मार्किंग और करूँगा, दूसरा मार्किंग और करूँगा। जैसे जैसे मैं कट बढ़ाता रहूँगा, वैसे यहाँ पर मार्किंग करता रहूँगा, ताकि मुझे याद आए कि मैंने कट कितना बढ़ाया है। हमने यहाँ कट लगा दिया है कट करके, और हम यहाँ पे एक मार्किंग करने के बाद थोड़ा सा कट को बढ़ाया है, और एक मार्किंग हमने और किया, और लीवर को गिरा के स्टॉप कर दिया, ये लीवर को गिरा दिया। ये हमारा थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है, और देखिए ये नट को हम चढ़ा के दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल ये नट आराम से चल रहा है। तो गाइस ये शाफ्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसका साइज़ कंप्लीट करना है, इसमें एक फिनिशिंग कट मारना है, ये सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका ठोकर का जो साइज़ है, ये इसका लेंथ जो है, ये हमें 5 mm करना है, 5 mm।